चलो आज इस वक्त हमारे जो है दरमियान में डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्समैन पीडीपी ताजिम दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका आवाज़ न्यूज़ के जो है इनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दार साहब आप बताएंगे जो ये गवर्नर साहब के द्वारा जो एक डिसीजन लिया गया है कि असेंबली को डिसॉल्व किया गया, तो आप बताएंगे ये कितनी हद तक ये दुरुस्त है उस चीज़? देखिए मैं समझता हूँ कि हालांकि काफ़ी इस इशू के ऊपर बयान आ चुके हैं, इसमें हमारी पार्टी का भी स्टैंड मौकफ जो है वो भी हमने वाजे किया है, इसके साथ साथ बाकी लोगों कांग्रेस ने भी कांग्रेस ने भी बड़े खुले शब्दों में कहा है कि जिस तरह से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल प्ले किया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। जिस तरह से कल एक डेमोक्रेसी का मर्डर जिसको हम कहेंगे वो किया गया है, और कल एक जैसे ही लोगों ने ये खबर कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस जो है ये मिलकर दावा पेश करने वाली है, तो मैं आपको बताऊं कि तमाम लोगों में एक लहर दौड़ गई, और ठीक अगर मायनों में अगर कोई तर्जमानी या जो जज्बात की अगर कोई कर पाता तो ये कोलिशन जो थी ये तीन पार्टियों की मिलकर उनसे जो थी वो हो पाती, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि गवर्नर साहब ने इसके ऊपर जो है बिना कोई वक्त दिए हुए, हालांकि उनके पास ऑप्शन मौजूद थे, पिछले 5 महीने से अगर उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया और फौरी तौर पर जब उनको इस जो हमारा एक अलायंस बना था इसका एक ऐसे ही लेटर उनके पास पहुंचा, उन्होंने फौरी तौर पर उसको उसी वक्त कोई भी ऑप्शन एक्सप्लोर किए बगैर ही डिसॉल्व कर दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इससे जो राष्ट्र जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक बड़ा ही धक्का पहुँचा है, और वैसे भी हम जो एक डेमोक्रेसी के मानने वाले जो लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसको बड़े ही इसको एक हम ये कहें कि ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी अगर आ जाए तो इनको कम। डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये रहेगा कि भाजपा की कुछ सीटों की तरफ से ये बयान बार बार आया है कि जो ये गवर्नमेंट बनने जा रही थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी वाले जो क्लेम कर रहे थे ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कहने पे कर रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बयान हैं ये मैं बड़े वसूल से कहूँ कि हम कोई भी जमात कोई भी पार्टी जो बीजेपी के साथ नहीं खड़ी होगी वो एंटी नेशनल और पाकिस्तान के साथ इसके लिए रिलेट करेंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, कल भी एक बयान हमारे जो रियासती सदर हैं बीजेपी के उनकी तरफ से भी आया कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठ कर इस कोलिशन को जो है ये बनाने का जो है बनाया गया था। मैं समझता हूँ ये बड़े ही भद्दे और बड़े ही अनफॉर्चुनेट बयान हैं, और मुझे ये लगता है कि ये जो डिवाइड करने की जो रणनीति बीजेपी ने अपना रही है, मुझे लगता है कि इसके पीछे ISI से बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, जो मुझे लगता है उन लोगों की ही मिली भगत है ISI के साथ मिलकर, जो इस पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंतजार फैलाकर लोगों को एंटी नेशनल डिक्लेयर करके और एक कोई नया माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं ये बड़े वसूल से कहूँ, मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन को, मुझे लगता है कि ISI रॉ और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये लोग कोई नई साजिश रच रहे हैं जिससे यहाँ का जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो। आप क्या समझते हैं कि आइंदा जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से सियासी जो है वो हलचल में रहेंगे या सियासी प्रोग्राम्स रहेंगे, और इसमें पीडीपी का क्या रोल रहेगा? देखिए पीडीपी का हमेशा से ये रोल रहा है कि हमने हमेशा जम्मू और कश्मीर को एक जो लोगों को तहफ़ देने के लिए लोगों को पीस अमन जो है वो एक प्रकार के साथ देने का वादा हमने किया है, और उसी की डगर पर हम लोग चलेंगे। और ये एक अच्छी पहल हुई है तमाम जमातों की तरफ से, कल जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला साहब उनकी तरफ से भी एक अच्छी पहल हुई, कांग्रेस की तरफ से भी और पीडीपी की तरफ से भी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो तमाम सेक्रेट फोर्सेज हैं उनको इकट्ठा होकर जो ऐसी फोर्सेज जो लोग रियासत जम्मू और कश्मीर को और हिंदुस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं उन सब का मुकाबला एकजुट होकर करना होगा। ये थे हमारे साथ राजौरी से डिस्ट्रिक्ट स्पोक्समैन पीडीपी ताजिमदार साहब, मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।